तो पिवट टेबल में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग एंड ग्रुपिंग के बारे में। जैसे कि हमने कोई पिवट टेबल हम लगाते हैं, जैसे कि कोई भी पिवट टेबल को उठाया और हमने मान लीजिए इसको अप्लाई कर दिया, इंसर्ट पिवट टेबल, और हम मान लीजिए कि हमने कोई रिपोर्ट अपने हिसाब से बना भी लिया, जैसे सेल्स पर्सन वाइज हमने रिपोर्ट को मान लीजिए बना लिया। तो अब बात करते हैं शॉर्टिंग को, तो इसको हम अपने हिसाब से कैसे शॉर्ट करेंगे। तो आप यहाँ राइट क्लिक करके शॉर्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप यहाँ से कर सकते हो, या आप आपका सीक्वेंस नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो कि शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए, राइट। लेकिन जब आपके पास दो हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कैटेगरी को सेल्स पर्सन के नीचे रख दिया, अब मान लीजिए कि मैंने इस पे राइट क्लिक करके शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, तो सिर्फ ए इसी पुनीत का ही नहीं, जितने भी कैटेगरी है सारे हुए हैं, इसलिए पूजा हाईलाइट नहीं, शॉर्ट नहीं हुआ, मतलब जो आपके सेल्स पर्सन है वो शॉर्ट नहीं हुआ। शॉर्ट कौन हुआ? आपके कैटेगरी। अगर सेल्स पर्सन को शॉर्ट करोगे तो सेल्स पर्सन के हिसाब से शॉर्ट होगा। ये तो हो गया हमारा वर्टिकल, मतलब कि टॉप टू टॉप बॉटम। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका अल्फाबेट ए है, मतलब कि कैटेगरी कॉलम वाइज है, तो आप कॉलम वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो। एक कॉलम वाइज कॉलम के हिसाब से शॉर्ट होगा, ओके ठीक है। जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
सॉरी सर, तो कोई नहीं आप सर। इसको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल दोनों कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड आउट टू डाउन, अपने हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसे मल्टीपल फील्ड में हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते एक साथ? नहीं, मल्टीपल फील्ड में आपको वन बाय वन करना पड़ेगा, वो भी मल्टीपल, जैसे आपने यहाँ इसको इस तरह से रख दिया, तो अगर आप मान लीजिए अगर इसमें क्या है कि सेल्स पर्सन है, अगर सेल्स पर्सन शॉर्ट करेगा तो सिर्फ सेल्स पर्सन शॉर्ट होगा, और ए शॉर्ट करेगा तो सिर्फ इसको शॉर्ट किया जाएगा, दोनों शॉर्ट एक साथ नहीं होगा। अच्छा, लाइक जैसे कि अगर मुझे अमाउंट भी करना है और इसमें ये जो कॉर्पोरेट वाला जो है कॉलम, नेम एंड अमाउंट दोनों अगर मैं शॉर्ट एक करना, वो नहीं कर अकॉर्डिंग सकता? शॉर्ट ना होगा, दो के अकॉर्डिंग शॉर्ट थोड़ी होगा। अच्छा नहीं, जैसे सॉर्टिंग में हम दो दो सॉर्टिंग के साथ ला सकते थे ना, इसमें नहीं है ऐसा? नहीं, इसमें नहीं है कस्टम शॉर्ट, इसमें नहीं है। ओके, बस वही पूछा। शॉर्ट के बाद आता है मूव, जैसे कि आपने बताया कि मैं मान लीजिए शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट तो अल्फाबेटिक पे होगा या फिर इसके ऊपर होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से शॉर्ट करना। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा, हम लोगों का प्रायोरिटी होता है एसएमई, तो एसएमई को सबसे टॉप पे रखना, तो आप शॉर्ट के जगह पे मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो मूव आपका इस पे नहीं होगा, आप अपने एसएमई के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब जो लेजेंड है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मूव आएगा। मूव के सामने आप बिगिनिंग, आप एक ही के ऊपर करना चाहते हैं या टॉप पे करना चाहते हैं, तो ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपका वर्टिकल ये है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल है, तो राइट क्लिक करके इसको भी आप मूव कर सकते हैं, बिगिनिंग अप डाउन लेफ्ट, तो अपने हिसाब से वो आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्टिंग समझ में आ गया? हाँ जी। शॉर्टिंग के बाद बात करते हैं फिल्टर की। तो देखिए, फिल्टर जो होता है बेसिकली तीन तरह के फिल्टर है। सेल्फ पर्सन रख देता हूँ। सबसे पहला फिल्टर आता है आपका रो फिल्टर, मतलब कि जो ये लेवल है इसके अकॉर्डिंग आप चला चाहते हैं कि मैं एसएमई को देखना चाहता हूँ या कॉर्पोरेट को देखना चाहता हूँ या कुछ और देखना चाहता हूँ, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो कभी थोड़ा कम है, जैसे मैं मान लो कि कैटेगरी हटा देता हूँ और मैं सिटी रख देता हूँ, सिटी में काफी ज्यादा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा है तो मुझे खोजना पड़ेगा। मुझे मान लीजिए कि अगर पटना करना है तो पटना खोजना पड़ेगा ना सर, तो मैं इसी पे, यहाँ पे देखिए लेवल फिल्टर दिख रहा है आपको, तो मैं इक्वल टू मैं यहीं पे पटना लिख देता हूँ। आ गया? तो जो लेवल यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, और लेवल फिल्टर पे आप कंडीशन लगा सकते हो, जैसे कि नॉर्मल फिल्टर में आपने कंडीशन लगाया था कि इक्वल डज नॉट इक्वल, बिगिन विद डज नॉट बिगिन विद, एंड विद डज एंड विद, कंटेन डज नॉट कंटेन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन लेस देन इक्वल टू, बिटवीन एंड Not between. Okay. ठीक है जी, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग चाहिए। जैसे मैंने इसको हटा दिया, मुझे इसमें इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू फिल्टर होगा कि मुझे चाहिए ग्रेटर देन 25,000, तो ग्रेटर देन इसका ए इसके टोटल पे लगता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं सेल पर्सन को हटा देता हूँ तो देखिए जितना भी नंबर 25 था इसके टोटल पे लगेगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया सर? लेकिन अगर मैं, अगर हम ये ग्रैंड टोटल का ही जो कॉलम वाइज आया है हमारा, जैसे सेल्स पर्सन आपने यहाँ पर रख लिया ना, तो अगर आप यहां से अगर फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करते समय जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं टॉप 10 फिल्टर कर दिया, टॉप 10, तो टॉप 10 में इस टोटल के अकॉर्डिंग आएगा, न कि इसके अकॉर्डिंग टॉप 10 आएगा चाहे किसी और के अकॉर्डिंग टॉप 10 आएगा, ये टोटल के अकॉर्डिंग चलेगा, ये समझा रहा था मैं आपको। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ग्रैंड टोटल हम पाइवट टेबल में रखते ही नहीं है, ये कॉलम वाइज जो ग्रैंड फिर भी आपको ग्रैंड टोटल का अकॉर्डिंग चलेगा, तो आप विजिबिलिटी हटा रहे हैं ना, बैकग्राउंड में तो रहेगा रहेगा, जैसे मैं टोटल यहाँ पे आया, टोटल फिल्टर को अनचेक कर दिया, फिर भी आपका उसी हिसाब से टोटल आया ना। ओके, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से क्लियर कर देता, हाँ, अब इसमें एक फिल्टर आपका किसका था, लेवल का था। अब आती है कॉलम फिल्टर पे, देखिए कॉलम का फिल्टर आ गया, जो कि इस तरह से फिल्टर चलेगा, मतलब कि इस तरह से,
इस पे फिल्टर चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए पुनीत का चाहिए, मान लीजिए मुझे इसमें पुनीत और ललिता नहीं चाहिए, उसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो अब इसमें पुनीत ललिता नहीं है। और इस तरह से इसने से वैल्यू किया, मैंने वैल्यू में बोला ग्रेटर देन 25,000, ये देखिए, तो ये भी इसके टोटल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ओके ठीक है, अब बात करते हैं पेज फिल्टर की। पेज फिल्टर मतलब कि मुझे पूरा रिपोर्ट मेरे हिसाब से दिखना चाहिए, जैसे मैंने कैटेगरी को उठा के रख दिया फिल्टर में। अब मैं यहाँ से मान लीजिए एसएमई सेलेक्ट करता हूँ, तो पूरी रिपोर्ट हमारी एसएमई के अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें हम एक से ज्यादा भी दे सकते हैं फिल्ट्रेशन, जैसे मुझे मुझे कैटेगरी के सब कैटेगरी में मेल फीमेल भी देखना है, तो अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एसएमई का मेल कितना है और फीमेल कितना है। ठीक है, अगर अगर हम फिल्टर में इसको लेके आए सेल्स पर्सन को तो आ सकता है ये? हाँ आ सकता है, बस यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको। तो ये जो क्योंकि आपका ऐसा होता है ना, तो ये सेल्स पर्सन को फिल्टर में ला देंगे तो फिर यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि इस चारों में हाँ से जी एक हाँ ही जगह पे रहेगा ना फिर वो। ओके, मतलब एक वैल्यू जो है चार उसमें कॉलम्स में नहीं आ सकती किसी हाँ दूसरे में। मतलब चार नहीं, जैसे वैल्यू में तो आप जितना मर्जी रख दे जो मर्जी रख दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बट हाँ रो जी फिल्टर एंड कॉलम तीन जो आप देख रहे हैं इन तीनों में सिर्फ वही आएगा जो एक एक फिल्टर एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। ओके। फिल्टर समझ में आ गया? तो हम बात तो करते हैं, अगर हमें सेल्स पर्सन पे फिल्टर लगाना है तो कॉलम में रख के जो कॉलम के ऊपर हमारा फिल्टर आ रहा तो वहीं से मैं अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ वहीं से अप्लाई करना पड़ेगा, सही समझा आपने। ओके अब चलिए हम बात करते हैं सॉर्टिंग। तो पिवट टेबल पे आया मैं एंड ओके। अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि सेल्स पर्सन को उठाता हूं और सेल्स पर्सन को सेल्स पर्सन नहीं माफ कीजिएगा, मान लीजिए हम क्वांटिटी को यहाँ पे क्वांटिटी को उठाते हैं और अमाउंट को यहाँ क्वांटिटी का सम उठाते हैं। वैसे मुझे देखना है कि हमारे पास किस स्लैब के ऑर्डर आते हैं, ये 10 से 20 वाले कितने ऑर्डर है, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं, मुझे इस तरह के स्लैब चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप पे चला जाऊंगा। ग्रुप में 10 to 90 मिनिमम आ गया, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आपका ऑटोमेटिक देख लेगा कि आपका सिस्टम में सबसे लोअर कितना है और सबसे हायर कितना है। तो लोअर हमारा 0 है और हायर हमारा 100 है, हम कर देते हैं, मैनुअल भी कर सकते हो। और मुझे 10-10 का ग्रुप चाहिए, तो ओके कीजिए। 10 से 19 तक वाले में उतने हैं, स्लैब बन गया ना सर, तो आप इधर से काउंट ले सकते हो। तो नंबर्स को इस तरह से आप स्लैब बना सकते हो। तो नंबर को ग्रुप करना आ गया सर जी। अब बात करते हैं इसकी ग्रुप की। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट और मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी का टोटल ले लिया। अब जैसे कि डब्ल्यू एम जो है एक है और यहाँ पे आपके जो टी एफ टी सी आर टी और डब्ल्यू एम दोनों एक ही है, तीनों एक ही है, तो तीनों को मैं कंट्रोल करके सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैं ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे मैं ये डाल सकता हूँ विजुअल स्क्रीन कर सकता हूँ, मान माफ कीजिएगा स्क्रीन, ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोडक्ट टू एंड प्रोडक्ट वन आ गया, तो प्रोडक्ट टू को हटा दीजिए, प्रोडक्ट वन को हटा दीजिए। तो टेक्स्ट में जैसे कि 3-4 टेक्स्ट ऐसे हैं जिसको इकट्ठा दिखाना है टोटल करके, तो यहाँ पे इसका इकट्ठा दिखा सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया हमारी टैक्स की ग्रुप की। अब हम डेट एंड टाइम की ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ ओके मैं जात करता हूं, मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट को रख दिया। जैसे आप डेट को रखेंगे और मान लीजिए मैं यहाँ पे अमाउंट रख देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली डेट जो है ग्रुप हो जाएगा क्वार्टर में सितंबर में। लेकिन कभी ये तो कभी होगा, लेकिन कभी कभी आपका नहीं भी होता है, अनग्रुप कीजिए, इस तरह से हो जाएगा। तो मुझे ग्रुप सिर्फ करना है मंथ भाई, क्योंकि मैं मान लीजिए कि अगर ग्रुप हो भी जाता है तो मंथ क्वार्टर ईयर तीनों में हो जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ मंथली ग्रुप करना या आवरली ग्रुप करना या 15-15 दिन का ग्रुप करना है। तो आप उसके लिए राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप पे जाइए। अगर आपको मंथ करना है तो मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, मंथली हो जाएगा। मंथ ईयर और क्वार्टर जिसको करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जिसको नहीं करना है उसको हटा दीजिए, ग्रुप हो जाएगा आपका इस तरह से। लेकिन मुझे अगर 15 दिन का ग्रुप चाहिए तो मैं इस सबको हटा दूंगा और डेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 15 दे दूंगा, तो अब 15-15 दिन का ग्रुप हो जाएगा हमारा। तो डेट को हम इस तरह से ग्रुप करते हैं, ठीक है भूपेश कुमार जी? जी बिल्कुल, वेरी नाइस सर। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल का टॉपिक है पिवट टेबल में कैलकुलेशन का, तो कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है सर? मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके। और इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मनोज जी मेरे चैनल से जाके देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि मैं व्हाट्सएप मैंने कभी भेज पाया नहीं भेज पाया, तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ आपको, कि आपको मोबाइल फोन से ज्वाइन करते हैं इसलिए। तो iptindia.com पे जैसे ही जाते खोलते हैं तो आप वहीं पे आपको जो है मेरा आ जाएगा वॉच वीडियो, क्लिक कीजिएगा मेरे चैनल पे चले जाइएगा। और मेरे चैनल पे जो लास्ट वीडियो होगा ना, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो होगा वो देखिए, देखिएगा पिवट टेबल लिखा होगा, वही वीडियो होगा सर, ठीक है? ओके सर। आपको इस तरह से उसको देख लीजिए, वीडियो डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड करने तो आपको आता ही है। चलिए।